हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक हो गए। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग भी है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे लड़कियों ने मैसेजेस किए कि हमें इसका रिव्यू दें। ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल के वीडियो जो है किस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में है वीडियो। स्टार्ट करूँ उससे पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। वहाँ पे जो है मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह और ट्यूटोरियल भी, शॉर्ट ट्यूटोरियल भी मैं पोस्ट करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे जो हो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इसको लाइक किए बगैर नहीं जाना है, और एंड तक देखना है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइस, आज जिन प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है क्रिस्टीन के फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, और एक तरफ है क्रिस्टीन के स्टिक। न्यू पैकेजिंग वगैरह में आई है, इनका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस वाले से, क्योंकि मैंने ये खुद न्यू बाय की है रिव्यू पर्पज़ के लिए। इससे पहले मैं यूज़ करती थी, बट मैंने ये यूज़ की तो इनका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस वाले से, और उनकी ये वाली जो फाउंडेशन है लिक्विड फाउंडेशन, ये उन्होंने न्यूली लॉन्च की है, तो मैं आपके सामने इसका भी रिव्यू करूँगी। सो या ज़ाया नहीं करता और मैं आपको इसकी पैकेजिंग वगैरह दिखाती हूँ। ये नॉर्मल सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, यहाँ पर इसके मेंशन है कि ये जो है मैट फिनिश फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये मैट फिनिश फाउंडेशन है और लिक्विड फाउंडेशन है, ठीक है जी। ये आपको जो मैट फिनिश का मतलब है कि आपको जो मैट लुक देती है, एकदम कोई ग्लोई लुक नहीं देती, ठीक है। जिनको जिन लोगों को मैट फाउंडेशन लेनी है तो ले सकते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग है इट्स सेज, और यहाँ पर पीछे इसके बारे में थोड़ी सी इसकी तारीफें शारीफें हुई हुई हैं, ठीक है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। शेड मेंशन है एम शेड आइवरी 02, यहाँ पे इसके सब कुछ ये लिखा हुआ है, एक और नंबर लिखा हुआ है CN02, मतलब ये सब नंबर हैं, इनके नेम्स होते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग खोलने के बाद पैकेजिंग इस तरह से खुलती है, मतलब नॉर्मल सी पैकेजिंग है, जिस तरह से नॉर्मल फाउंडेशन की पैकेजिंग होती है, उसके बाद ही खुलती है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी लिटिल बॉटल इन द राउंड शेप, ठीक है, और ये एक पंप के साथ आती है। इसका पंप भी बहुत डिफरेंट है, जैसा और मतलब होता है फाउंडेशन का उस तरह का नहीं है, लेकिन काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है। फ्रंट पे जो है मेंशन है, जो कुछ बॉक्स पे मेंशन था कि प्योर स्टे फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन, यस इस तरह से मेंशन है, ठीक है। और इसमें आपको क्वांटिटी देते हैं, ये 40 ml क्वांटिटी आपको इसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और या इट्स अ पैकेजिंग के बारे में बात कर ली है हमने, अभी हम इसके एप्लीकेशन के बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी आर टॉकिंग अबाउट देयर स्टिक, मतलब पेंट स्टिक फाउंडेशन। इट्स अ स्टिक फाउंडेशन, ये भी एक नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। स्टिक लुक्स लाइक दिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे पीछे इसके नंबर मेंशन है 65 एज वेल, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह पे यूज़ कर लेती हूँ जिनका थोड़ा सा डार्कर अंडरटोन होता है, तो आई एम यूज दिस फाउंडेशन 36, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्कर अंडरटोन के लिए है, और ये इस तरह से आती है। देखिए ये बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मैंने ये न्यू आपके लिए परचेज की है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, और मैं आपको इसकी दिखा दूँ क्वांटिटी कितनी देते हैं। ये आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी देते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा चलेगी, ठीक है। इसमें आपको जो है 23 grams देते हैं, यहाँ पे मेंशन है इसके, ठीक है जी। तो ओके जी, तो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप हमेशा जो है स्टिक फाउंडेशन यूज़ करोगे, ठीक है जी। और या और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो हो लिक्विड फाउंडेशन लोगे, ठीक है। आपके ऊपर लिखा हुआ होता है ऑयली फॉर ऑयली स्किन, और जो भी हैं तो वो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई स्किन वाले के फेस पर स्टिक लगाएंगे ना तो वो पैची हो जाएगी, और वो ड्राई एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी वो आपके स्किन, और आपका फाउंडेशन मतलब क्रेक करेगा वो आपका फाउंडेशन, और पैची पैची हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ब्लेंडेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी उसकी, ठीक है। इसलिए जो है आई हैव अ ड्राई स्किन, बट मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको रिव्यू दूँ इसका, स्टिक का भी और फाउंडेशन का भी। तो मैं आपको जो है दो वन साइड पे स्टिक अप्लाई कर दिखाऊंगी, वन साइड पे लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर दिखाऊंगी कि इन दोनों का रिजल्ट कैसा है, ठीक है जी। तो मेरी स्किन गर्मियों में थोड़ी सी ना टी जोन से ऑयली हो जाती है, तो मैं गर्मियों में स्टिक फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती स्टिक फाउंडेशन।
क्योंकि मेरी फेस पर सूट नहीं करते, दैट्स वाई। ठीक है जी, तो बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले मैं जो हूँ यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ क्रिस्टीन की मैट फिनिश फाउंडेशन, इसका फिनिश मैट है। ठीक है, तो फॉर्म से इसको निकालूंगी, आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, क्रीमी है बट नॉर्मल है। मैं 2 pumps लूंगी, अपने ही 2 pumps बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको जितनी ज्यादा कवरेज चाहिए आप उतना ज्यादा फाउंडेशन ले सकते हो। तो मैंने जो है यहाँ पर 1/2 pump लिया, वो 2 pumps लिए हैं यहाँ पे फाउंडेशन के। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पहले इसको डॉट डॉट करूंगी अपने पूरे फेस पे। ठीक है गाइस, क्रिस्टीन बहुत अच्छा ब्रांड है। आप एक अफोर्डेबल ब्रांड के साथ साथ ये जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजीली जो है ना अवेलेबल भी होता है, इसलिए इसकी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है ना लोग पसंद भी करते हैं। पहले इनका जो मतलब ब्रांड था वो इतनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने लॉन्च नहीं की थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लॉन्च करी हैं। अगर आपको 1 brand ट्यूटोरियल चाहिए क्रिस्टीन का तो मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर करना, तो मैं आपके सामने इसके तमाम प्रोडक्ट भी शेयर करूँगी। देखें ये कितनी अच्छी तरह से फॉरन ब्लेंड भी हो गई, और ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटीफाइबर आमना का यूज़ किया है मैंने, बिकॉज मेरे पास क्रिस्टीन का कोई ब्लेंडर नहीं है। बस मुझे क्रिस्टीन के ना ब्रशेस नहीं अच्छे लगते, क्योंकि इनके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और वो अच्छे नहीं होते। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगी आपको, क्योंकि इनके ब्रशेस अच्छे नहीं होते। अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस आ गए हैं, मैंने अपने बालों पर भी लगा लिया। अब आप देख सकते हैं ये मैट फिनिश फाउंडेशन जो है मैट नहीं हुई है। अब इसको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी, मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी और फिर जो है इसका फिनिश बिल्कुल मैट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 side पर जो है फाउंडेशन लगा ली है। ओके, सो देन मेरा जो क्रिस्टीन की स्टिक में शेड है वो है 45। मैं क्रायलॉन में भी 45 यूज़ करती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले से, क्योंकि मैं विदाउट मतलब टेस्ट किए बगैर आपसे कोई रिजल्ट शेयर नहीं करती। हाँ अगर मुझे फर्स्ट इंप्रेशन देना पड़ता है ना किसी चीज़ के बारे में तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन नहीं। तो मैंने इसकी इतनी क्वांटिटी निकाली स्टिक की, एंड देन स्टिक आपको पूरे फेस पर लगानी होती है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर एक जगह लगा रहे हो और फिर आप उसको ड्रैग कर करके ना पूरे फेस पर फैला रहे हो, नहीं। आपका ऐसे नहीं लगानी, आपको स्टिक जो है ना ऐसे लगानी है। स्टिक जो होती है ना, मोस्टली स्टिक्स जो होती हैं वो होती हैं फुल कवरेज। ठीक है, तो मैंने इसको अपने पूरे फेस पर लगा लिया है। कुकड़ी तो बोलना बंद नहीं करेगी कभी भी, तो यार इसकी आदत डाल लो, क्योंकि ये मेरी फैमिली का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ये मतलब नहीं कौन आस पड़ोस के किसी घर में। सो गाइस, अब आप देखें। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, मेरे बाल। सो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, स्टिक जो है अगर आप स्टिक लगा रहे हो तो आप उसको हमेशा वो गोल वाला स्पंज होता है या तो उससे ब्लेंड करो या तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो। आपको फाउंडेशन ब्रश से इसको ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि उतनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंड नहीं होगी। और अगर आप कोई भी पफ वगैरह यूज़ करोगे या ब्लेंडर यूज़ करोगे उसको हमेशा वेट यूज़ करोगे, उसको जो है ना पानी में डिप करके उसको फिर सारा स्क्वीज कर लीजिएगा। देखें, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, मैंने सारा स्क्वीज कर लिया था इसमें से, एंड देन अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप देखें, मैं सिर्फ टैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूं टैप करा है इसको और आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गई है। अब इस साइड पे जो मैंने लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई की थी, इस साइड पे मैंने स्टिक फाउंडेशन अप्लाई की थी, तो जो लिक्विड साइड वाली जगह है वो थोड़ी सी मीडियम कवरेज है, जैसे कि लाइट वेट फॉर्मूला और मतलब बहुत लाइट सी कवरेज है, बहुत हैवी कवरेज नहीं है। और अगर जैसे कि मैंने यहाँ इस साइड पे अपना फाउंडेशन लगाया हुआ है तो मुझे इस साइड पर ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगाया हुआ, लेकिन अगर मैंने इस साइड पर लगाई है स्टिक तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लगाया हुआ है मैंने अपने फेस पर। थोड़ी सी हैवी होती है ये वेट में भी, क्योंकि ये स्टेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। इस फेस को जो है मैं अपना पूरा सेट वेट कर आ जाती हूँ और फिर मैं आपके पास आती हूँ। तकरीबन मैं इसको टेस्ट आउट भी करूँगी कि फाउंडेशन का जो लुक है वो फाउंडेशन कितने घंटे तक ख़राब हुई, तो मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक अप्लाई कर रखूँगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। और मैं इसको भी अप्लाई कर रखूँगी कि इसको
इसको स्टिक को भी मैं अप्लाई करके रखूंगी 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, ठीक है जी। सो गाइस मुझे तकरीबन ये फाउंडेशन अप्लाई किए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैंने 11:30 बजे तक ये वीडियो शूट की थी और बज रहे हैं 3 अगर आपको टाइम दिख रहा हो तो अभी 3 बज रहे हैं और मैं आपको इसके थोड़ी सी हालात दिखा दूँ कि कैसी हैं हालात। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ पाउडर से सेट किया है, अभी मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया क्योंकि मैंने ये वीडियो घर में ही रह के शूट करनी थी, कहीं जाना नहीं था, तो मैंने सिर्फ इसको पाउडर से सेट किया है। और मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ कि ये है कैसी, तो मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। ये वाला साइड मैंने, आपको पता है कि मैंने ये वाले साइड पर जो है क्या यूज़ किया था, लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया था और ये इस साइड पर जो है मैंने स्टिक यूज़ की थी। तो इस मैंने कोई देखें हाइलाइटर भी नहीं अप्लाई किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्लोई है स्टिक वाली साइड। स्टिक जो होती है ना वो तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद जो होती है ना ऑयल छोड़ देती है आपके फेस से, मतलब जो आपका फेस होता है ना उसके ऊपर थोड़ी सी ऑयली हो जाती है और वो ऑयली जो होती है ना उससे आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है ग्लो। तो देखें ये स्टिक वाली साइड और ये इतनी ग्लोई है, और क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज किया हुआ था अपना फेस भी, तो देखें करीब से मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ, नोज़ के पास से भी ठीक है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अभी तक तो। और ये वाला साइड इतनी करीब से दिखो ये अच्छा। तो ये दोनों जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं अभी तक मेरे फेस से, बिल्कुल भी टच से मस नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनको सेट किया था, ठीक है जी। तो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं अभी तक, और या और हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो मैं लाइट जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी लाइट में ही दिखा दूँ आपको, और फिर शाम भी हो जाती तो फिर मैं नहीं दिखा पाती आपको। तो 3 से 4 घंटे तक तो ये बहुत अच्छी रही है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा चल सकती है। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो होपफुली लाइक कर दो मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, ठीक है जी। सो या बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।